अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? तो मैंने तेरा भाई आगे कोई स्पेशल वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे यूनिक डिस्टनी के बारे में। तो अब यूनिक डिस्टनी के लिए मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब अक्सर बंदों की थोड़ी बहुत गलती होती है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा आगे। तो उसी के साथ साथ जो है ना, जिस बंदे को समझ नहीं आता है उसको भी समझ आ जाएगा कि क्या सीन है। तो अब सबसे पहले अगर बात की जो यूनिक डिस्टनी के लिए, मतलब 6000 अचीवमेंट के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और 6000 अचीवमेंट के पॉइंट्स पे तुम्हें तीन चीज़ें मिल जाते हैं। 60 अचीवमेंट के पॉइंट्स में मिल जाते हैं और एक मिथिक सेट तुम्हें मिल जाता है, 60 में दिखाऊंगा। और एक ये वाला मिथिक टाइटल जो मेरे पास ऑलरेडी, ये जो है ना मैं अपने अकाउंट में दिखाता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे अकाउंट पर भी जाऊँगा, उधर भी सब कुछ चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, मतलब सब कुछ दिखाऊंगा। और एक सीट होता है मिथिक सीट है, मतलब अच्छा खासा सीट है, नॉर्मल सा सीट है, ठीक है। तो अब पहले पबजी के अंदर ये जो है ना हार्ड वाला सीट होता था, इतने बंदों के पास नहीं था, आजकल भी इतने बंदों के पास नहीं है जो ये वाला टाइटल है और ये वाला सीट है। खैर तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हारे पास ये है या फिर नहीं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितने अचीवमेंट के पॉइंट्स हैं और कितने रह जाते हैं 6000 के लिए, ठीक है। तो अब अगर बात कीजिए इसके लिए 6000 अचीवमेंट के पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। जितने भी बंदे भाई अचीवमेंट कंप्लीट करते हैं, एक जो है ना वो वाले अचीवमेंट होते हैं जिसके अंदर प्रीमियम क्रिएट या फिर क्लासिक क्रिएट होते हैं, और जो इजी इजी अचीवमेंट होते हैं उसको तो कभी भी मत छोड़ना। तो अब आगे मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ, उधर भी तुम देखोगे 5500 तक इधर भी तुम्हें ये वाले रिवार्ड मिलते और उसके बाद 6000 पे तुम्हें यूनिक डिस्टनी मिल जाती, ठीक है। तीन चीज़ें जो मैंने दिखाई थी, ठीक है, वही तीन चीज़ें तुम्हें मिल जाती। एक जो है ना 60 अचीवमेंट के पॉइंट्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे किसी काम का है ही नहीं इस वक्त। खैर अगर बाद में कुछ और डाला तो वो अलग बात है। चलो मैं आगे किसी और अकाउंट के अंदर दिखाता हूँ। आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर रखते हैं, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे नोटिफिकेशन के साथ साथ, ताकि मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई सवाल वगैरह इंस्टा पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो अब इस भाई के अकाउंट में मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को बताता हूँ। तो अब भाई के अकाउंट में सब कैसा कंप्लीट है तुम इधर देख सकते हो, 5975 कुल मिलाकर 25 अचीवमेंट के पॉइंट्स रह जाते, ठीक है। तो अब इसके अंदर बंदे क्या करते हैं, सबसे पहले हार्ड वाले, जितने भी हार्ड वाले होते हैं ना उसको कंप्लीट करते हैं भाई। जो अभी आए हैं ये भी हार्ड है, मतलब जो खुदरा एनिमेशन है, ट्रिपल एनिमेशन है और डोमिनेटर है, ठीक है। एनिमेशन ये जो है ना खुदरा और ट्रिपल वाला जो था वो पहले ग्लिच था, होता था, आजकल जो है ना वो वाला नहीं हो रहा है, ठीक है, वो क्योंकि वो सोल्व हो गए। तो अब इस अकाउंट के अंदर मैं इधर दिखाता हूँ, प्रोगर अचीवमेंट था कंप्लीट नहीं था, और उसके बाद ये जो है ना थोड़ा बहुत हार्ड है ये मैं भी मानता हूँ। प्रोगर अचीवमेंट जो है ना वो इजी है, इस भाई ने कंप्लीट नहीं किया था। और इसके बाद ये देखो बर्गिनर अचीवमेंट, इसके अंदर भी अच्छे खासे अचीवमेंट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, 35 या फिर 40 तक मिल जाते हैं भाई। तो इसको भी कंप्लीट करो ना, मतलब जो इजी होता है यार उसको पहले पकड़ो, और इसके बाद मतलब अगर कंप्लीट नहीं हुए 6000 फिर हार्ड वाले पकड़ो। सबसे पहले तो इजी को कंप्लीट करो, उसके बाद ये देखो मार्शल वाला भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो को रिपोर्ट मार रहे हैं। अगर लकीली कोई मतलब बैन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हैकर भी होते हैं, ठीक है, रैंकिंग के अंदर तुम कर सकते हो और फिर तुम्हारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब ये देखो बुलसी वाला अचीवमेंट जो है ना अचीवमेंट्स के अंदर सबसे ईजी होता है, ठीक है, ये बुलसी वाला अचीवमेंट। तो अब भाई का लक अच्छा था जैसे मैंने देखा, इधर तुम देखो इसके अंदर भी 25 अचीवमेंट के पॉइंट्स में मिल जाते हैं, ठीक है, 25, और उधर 6000 तक में, मतलब अगर हम जाए तो उधर भी कुल मिलाकर 25 चाहिए, ठीक है, इधर तुम देख सकते हो। तो इस अचीवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं जिस बंदे को पता नहीं उसको मैं बताता चलो। पहला वाला भाई ने कंप्लीट किया, ठीक है, 30 अचीवमेंट के पॉइंट्स में मिल जाते हैं, पहला वाला कंप्लीट है। तो अब अगर हम इस दोनों को अब भी कंप्लीट करें तो 25 अचीवमेंट के पॉइंट हमें और मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तुमने लगाना है चेयर पार्क, चेयर पार्क पे तुमने जाना है, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम चेयर पार्क के अंदर जाओगे उसके बाद तुमने जाना है शूटिंग रेंज में, मतलब जो चेयर पार्क के अंदर शूटिंग रेंज होता है ना, और उसके बाद तुमने जाना है शूटिंग रेंज में। अब अक्सर लोगों का ये चीज कंप्लीट भी हो सकता है, वो थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, ठीक है, वो जिसमें देखा कंप्लीट है उसके लिए मैं सब कुछ इधर समझाने वाला हूँ। ये जो है ना इसका शूटिंग रेंज होगा। तो अब शूटिंग रेंज के अंदर इधर हम सबसे पहले कोई गन पकड़ते हैं, ठीक है, इधर से मैं M416 उठाता हूँ। तो अब जैसे मैंने इधर से M416 उठाया उसके बाद मैं इधर एक चीज बताता हूँ, तीन ऑप्शन है, पिस्टल वाला है, AR वाला है और स्नाइपर वाला है। अगर तुम AR पे क्लिक करोगे इधर जो है ना तुम इजीली 75 पॉइंट नहीं उठा सकते, इसके लिए क्या करना है 75 पॉइंट उठाने, ठीक है, 50 बार अगर तुम उठाओगे फिर तुम्हारा वो वाला अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पिस्टल पे क्लिक किया, तो अब इसके अंदर तुम एकदम इजीली उठा सकते हो 75 पॉइंट, 75 पॉइंट इधर तुम एकदम इजीली उठा सकते हो। अगर तुम इसको एक गिराओगे, ठीक है, एक तुम इधर गिराओगे तुम्हें 5 पॉइंट मिल जाते, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, बीच पे फोकस करो, ये सब कैसा जो है ना बीच में ही आते हैं, फिर एकदम इजीली तुम उठा सकते हो 75 पॉइंट। और इसको मैंने पहले बार मतलब थोड़ा सा टाइम दिया, मतलब इतने सेकंड मुझे नहीं मिले थे, कुल मिलाकर 59 सेकंड तुम्हें मिलते हैं। तो अब लास्ट पे तुम इधर देख सकते हो,
9 सेकंड मतलब 8 या फिर 9 सेकंड रह गए थे, मैंने इसको कर दिया कंप्लीट। और उसके बाद मर्जी आपकी, इंतजार करो या फिर आगे और भी मार सकते हो, ठीक है, या फिर इंतजार भी कर सकते हो। हाँ एक चीज याद रखना, एग्जिट बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम एग्जिट करोगे तो फिर वो वाला काउंट नहीं होगा। तो उधर पहले जो बिल्सी के अंदर थे, पहले थे 6, तो अब हम सबसे पहले लॉबी में जाके देखते हैं कि अब इस वक्त 7 हो चुके हैं या फिर नहीं। मतलब पहले 6 था, अब तो 7 होने वाले, ठीक वैसा ही। तो मैं दूसरा वाला भी दिखाऊंगा और तीसरा वाला भी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं अचीवमेंट्स के अंदर और उसके बाद हम जाते हैं सोशल के अंदर। तो अब ये रहा बुलसी अचीवमेंट, तो इसके अंदर पहले 6 थे, तो अब हम जाके देखते हैं कि कितने हो चुके, 7 हो चुके, ठीक है भाई। पहले 6 थे, अब 7 हो चुके। तो उसके बाद इधर तुम देखो भाई 20 सेकंड रह गए। अगर मैं बताऊं कि भाई 35 सेकंड में, 35 सेकंड में मैंने इसके 75 पॉइंट ब्रेक किए और उसके बाद मैं भाई इंतजार करता रहा ताकि इसके सेकंड कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं दूसरे के लिए जाऊँ। तो अब जैसे ही मैंने 15 बार इसको 75 पॉइंट मैंने 15 बार उठाए, इधर तुम देख सकते हो मैंने इस वक्त में 20 बार उठाए थे, 15 पे जो है ना इसका दूसरा वाला कंप्लीट होता है। और उसके बाद मैं फिर से लगातार करता रहा, मतलब इस बार भी तुम देख सकते हो टाइमिंग कितना ज्यादा होता है, एकदम इजीली तुम इसके अंदर कर सकते हो जो पिस्टल वाला है। जिस बंदे का कंप्लीट नहीं है, पिस्टल के अंदर एकदम इजीली कंप्लीट कर सकता है, ठीक है भाई। और उसके बाद मैंने इसको भी कंप्लीट किया और इसके मतलब 50 जितने भी थे, 50 के 50 मैंने इस वक्त कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो अब 50 के बाद अब मैं इसका जो माय रिसोर्ट होता है वो भी दिखाता हूँ। एक बार भी 75 से मैं कम नहीं हुआ, मतलब जितने भी मैंने किए हैं 75 से मैं कम नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ईजिली होता है ये जो है ना माय रिसोर्ट है। सब के सब तो नहीं दिखाते, थोड़े बहुत इधर दिखाते, ठीक है। तो अब हम जाके लोबी में जाके देखते हैं कि क्या हमारा बुलसी वाला अचीवमेंट इस वक्त कंप्लीट हो चुका है या नहीं। मतलब 10 अचीवमेंट के पॉइंट्स हमने इससे पहले उठाए, तो 15 ये हो गए, तो अब उधर भी 25 चाहिए थे, तो अब हमारा यूनिक टेस्ट नहीं एकदम इजीली इस वक्त कंप्लीट होने वाली। हाँ तो ये चीज मेरा अजीज जो बुलसी वाला था वो इस वक्त पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 15 अचीवमेंट के पॉइंट जैसे ही मैं इधर से उठाऊंगा उसी वक्त पे मेरे 6000 अचीवमेंट के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आई कंप्लीट द अचीवमेंट बुलसी ट्रिपल आई। तो अब हम फिर से जाके एक बार लोबी में देखते हैं। तो ये चीज मेरे अजीज, ये देखो भाई तीन चीजें, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 60 अचीवमेंट के पॉइंट्स हमें और मिल गए और एक मिथिक सेट मिल गया और एक मिथिक टाइटल मिल गया। तीनों की तीनों चीजें हमें इस वक्त मिल चुकी है। एक जो है ना ये मिथिक सेट हो गया पेट हॉन्टर के नाम से, एक ये वाला सिटी। आई कंप्लीट द अचीवमेंट यूनिक डिस्टिनी, हमारी यूनिक डिस्टिनी इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। और उसी के साथ साथ एक यूनिक डिस्टिनी वाला जो टाइटल होता है, एक मिथिक टाइटल है, रेयर टाइटल इतने बंदों के पास भी नहीं, ये भी हमारा इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से बताना चाहता हूँ भाई, जिस बंदे के मतलब जो इजी अचीवमेंट होते हैं सबसे पहले उसको पकड़ो। इस चैनल के अंदर सब के सब मतलब ज्यादा से ज्यादा वीडियोज तुम्हें देखने को मिल जाते हैं अचीवमेंट्स के, ठीक है। जितने भी सब के सब तुम देख सकते हो, एक ये वाला सेट भी तुम्हें मिलेगा और वाला टाइटल भी तुम्हें मिलेगा। तो इसके लिए अगर कोई बंदा मेहनत करे फिर तो सही है। मतलब अचीवमेंट्स के अंदर भी यार रिवार्ड मिलते हैं, ऐसा बात भी नहीं मतलब कि अचीवमेंट के अंदर कोई रिवार्ड वगैरह नहीं मिलते, उधर भी रिवार्ड मिलते हैं और ये वाले रिवार्ड जो है ना सबसे खास है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और अगर ये वाली वीडियो जरा से पसंद आए एकदम सब जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।